एल्काइल ग्रुप का साइज कम होने पर है। अब जैसे अब देखो इसका एटॉमिक जो मोलर मास है कम होता जा रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते जा रहे हैं, इससे यहां पर वैन डेर वाल्स फोर्स भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ठीक है, तो पहले इसमें एक तो सेंटेंस लिखिएगा, हाँ लिखो, इफ हैलोजन एटम इज सेम, इफ हैलोजन एटम इज सेम देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, विद डिक्रीजिंग द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, बिकॉज वैन डेर वाल्स फोर्स डिक्रीजेस। अब नोट कीजिए गाइस, बिकॉज द वैन डेर वाल्स फोर्स डिक्रीजेस, अब नोट करें इसे, ठीक है, जल्दी नोट करिए। अब देखो इन बातों को न्यू लाइन से नोट करते रहिएगा, हां इसके बाद लिखें, न्यू लाइन से लिखेगा, फोर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, फोर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, फोर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग दी ब्रांचेस, विद इंक्रीजेस दी ब्रांचिंग, जैसे ब्रांच बढ़ती हैं ऐसी ऐसे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड वैन डेर वाल्स फोर्स ऑल्सो डिक्रीजेस। देखो जैसे कि मैंने यहां पर ये ब्रोमो ब्यूटेन ले लिया, CH3, CH2, 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 Br, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, किसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर में, देखो हां CH3 देखेगा, ये मैंने ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, ये लो इसी से, अब मैं ब्रोमीन को यहां पर ले आऊं, टू ब्रोमो ब्यूटेन, CH3, CH2, CH, Br और ये CH3, ठीक है। अब देखो इसका भी सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, क्यों, इसमें ब्रांच बढ़ गई। अब मैंने इस मिथाइल ग्रुप को यहां पर लगा दिया, देखो क्या, फिर इसके बाद सबसे कम किसका होगा, CH3, CH3, CH3 और ये Br, सबसे ज्यादा इसका होगा, उससे कम इसका सबसे कम होगा, ठीक है, इसका सबसे कम होगा, मेरे मुंह से ज्यादा निकल गया, क्यों, इसमें ब्रांच सबसे ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, तो वैन डेर वाल्स फोर्स भी सबसे कम होगा। क्लियर, जल्दी से नोट करें इसे, जल्दी नोट करें फटाफट। इसके बाद फिर न्यू लाइन से लिखिएगा, इफ कार्बन एटम्स आर सेम देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हैलोजन्स, देखिएगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बात करूं CH3Cl, इसकी कंपेयर में CH2Cl2, देखो वन कार्बन CHCl3 वन कार्बन CCl4, देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, इसका सबसे कम होगा। तो मैंने ये लिखा, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, वन कार्बन देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हैलोजन। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिएगा,
ठीक है। तो ये मैंने हेलो एल्केन की सारी बातें लिखा दी, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में बेटा एक बार चेक कीजिएगा, वहां पर आधी बातें भी एक्सप्लेन नहीं की है, बहुत शॉर्ट में आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसके बाद फुल स्टॉप लगाकर न्यू लाइन से लिखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ न्यू लाइन से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन आर नियरली द सेम, ठीक है। देखो इसके बाद जैसे मैं यहां पर इस बात को शो कर देता हूं, आपकी एनसीईआरटी में ये बात गिवन है, देखो जैसे बेंजीन रिंग दो क्लोरीन है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट ऑर्थो आइसोमर, और देखो इसके रेस्पेक्ट मेटा आइसोमर, और ये इसके रेस्पेक्ट पैरा आइसोमर, दो इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट, और ये मैं केल्विन में लेकर चल रहा हूं, ठीक है, जरा 453 केल्विन, ठीक है, इसका 446 केल्विन, ठीक है, और इसका 448 केल्विन, केल्विन में ही है, देखो एप्रोक्स सेम होते हैं, ठीक है, इसमें मुझे ज्यादा बात नहीं लिखानी, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहां पर हेडिंग डालो सोलिबिलिटी, ठीक है, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है सोलिबिलिटी, लिखें सोलिबिलिटी में लिखिएगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर पार्शियली सोलिबिल, बहुत कम सोलिबिल होती हैं, आर पार्शियली सोलिबिल, पार्शियली सोलिबिल ओआर और इनसोलिबिल, या तो नहीं होती, और होती तो बहुत कम होती हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स आर पार्शियली सोलिबिल ओआर और इनसोलिबिल इन वॉटर because hello alkane and hello arenes does not break hydrogen bond between water molecule, ठीक है। फिर स्टॉप लगा के फिर लिखिएगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स आर सोलिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स आर सोलिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्लियर क्लास। आज मैंने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करा दी हैं, कल की क्लास में मैं आपको यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर चलूंगा, ठीक है, ओके ओके क्लास।